इतना सुंदर नज़ारा और इतना बढ़िया मौसम, इस मौसम में घूमने का बहुत ही अलग ही मज़ा आता है। और मैं हूँ राइडर मैन रवि और मेरे साथ आप चल रहे हैं नागपुर राइड पे। फाइनली पारट सिंगा हम लोग पहुँच गए हैं और मैं हूँ गाड़ी स्टैंड में और अभी मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा पारट सिंगा का। यहाँ पे संडे के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। गाड़ी स्टैंड के पास गाड़ी जैसी लगा है वैसे ही मेरे दोस्त लोग मिल गए, ये कारंजा के हैं। हेलो। और ख़ास यहाँ पे पारट सिंगा में अनुसया माता का दर्शन करने आए बस। और ये भी ब्लॉगर ही लोग हैं बस, न्यू कमर्स। चलिए आगे मिलेंगे इनके साथ राइडिंग के लिए। सपोर्ट करो भैया। जस्ट यहाँ पे एंट्री की तो दोस्त मिले कारंजा गाड़ी के जो कि वर्धा से हैं। और अभी साइकिल गाड़ी स्टैंड से अभी निकल रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। ₹5 ला भाई, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, इतना भीड़ है यहाँ पे और बिना मास्क लगाए तो अंदर एंट्री नहीं। कंदी पेड़ा फिर बिना मास्क ही लोग दिख रहे हैं अपने को, बाहर दुकानदार बता रहे मास्क पहन के चलो भाई। यहाँ पे बाहर से अंदर आने के लिए खाली मास्क की ज़रूरत है, बाकी अंदर में तो पूरा धजिया उड़ी हुई है कोरोना की।
सीधे मेन मंदिर की तरफ जाते। ओहो इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, मज़ा आ जाता है। तो दिख रहा होगा ये जब यहाँ से लाइन निकलती है पूरा छाव में से लोग जाते हैं यहाँ, हम तो ऐसे ही जाएंगे। दोपहर में हम लोग निकले हैं, यहाँ पे तो इतना शांत एक दिन का मंदिर है। यहाँ पे मैंने सुना है कि 5 बार अगर यहाँ पे दर्शन कर लिए तो जो भी अपने आगे पीछे का जो भी है सब निकल जाता है। मंदिर देखिए बहुत बड़ा, इतना खूबसूरत मंदिर है। यहाँ से 80 किलोमीटर होगा ना, तो भी हम लोग कभी कभार आते हैं। लाइन में तो लगना ही पड़ता है, भगवान का जो दर्शन है लाइन में ही करना अच्छा लगता है। मंदिर में दर्शन करके तो बहुत बढ़िया लगा, इतनी खूबसूरत मूर्ति है देवी की कि मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लगता है कि हम बार बार आए यहाँ पे और बार बार दर्शन करें। तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। विश्रांति, क्षण भर विश्रांति दर्शन के बाद एक्सपीरियंस तभी आता है जब मंदिर में आके दर्शन करेंगे देवी जी को, उसके बाद यहाँ पे नाश्ता बनाएंगे। चलिए देखते हैं गार्डन की तरफ। यहाँ पे इसके लिए हमें पूजा होती है दूसरे स्थान पे। ब्रह्मलीन जागा होके यहाँ पे
స్వరూపి తల్లిన అసుని బ్రహ్మానందేవు సంబడి అనసూయ ఆయి భవాని దేవి ఆదిశక్తి తూ జనని అతి ప్రేమానే కరుణ ఆరతి మస్తకటేవితో మీ చరణి అనసూయ మాతా నామే జపత కలికాలహి థర థరతి తవ నా మాతా మహిమా గాథా అసంఖ్య పాపే దూర హోతి అతి శ్రద్ధేనే దేవుని దర్శన్ అస दर्शन करने के बाद इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि बार बार आए ऐसा लगता है। इतना खूबसूरत दर्शन तो कभी कोई जगह पे करने को मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, मगर यहाँ पे इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि बात करना भी मुश्किल है। जो अनुभव आएगा वो यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही आएगा। गार्डन की तरफ जाते हैं अपन तो देखते क्या है, छोटे बच्चों के लिए है कि बड़े बड़े बच्चों के लिए है। यहाँ पे इतने दिनों बाद आया और यहाँ पे मेरे पहचान वाले हैं अंकल राजेश ठोकरे और यहीं पे रहते पास, और ये भी कभी कभार ही आते हैं। ये आसपास होने के बावजूद यहाँ पे संडे के दिन फैमिली के साथ आए, बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं। एयर इंडिया हेलीकॉप्टर बिना पंख वाला। चलो भाई इतना घूम लिए, थोड़ा पेट पूजा भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। फेमस है चूड़ा, अपने को चाहिए हाफ अपने लिए। ये भाई का यहाँ पे बहुत फेमस है चूड़ा, कच्चा चूड़ा खाओगे यहाँ पे खाना। प्रेजेंट है आपके सामने कच्चा चूड़ा। ये देखिए भाई ने एकदम बढ़िया रेसिपी है भाई की। आओ।
बहुत बढ़िया। अच्छा क्या क्या बताऊँ आपको, खाने के बाद ना बात करने की इच्छा नहीं, ऐसा लगता है कि खाते रहो। तो कुरकुरे की ऐड नहीं है रणवीर सिंह की, उनके जैसा हाल है।